ભરૂચના હાટીકાના વિસ્તારમાં હિન્દુઆના મકાન ઊંચી કિંમતે ખરીદવાની લાલચ આપી વોટ્સએપ મેસેજ કરનાર વ્યક્તિ સામે ભરૂચ એસએફએ એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। भरूचमां काकड़िया धर्म परिवर्तन मामलो प्रकाशमां आव्यो छे, तो बीजी तरफ हाथीखाना तथा आसपासना विस्तारोमां असंधारानो अमल थतो नथी। थोड़ा दिवसो पहेला स्थानिकोए रोष व्यक्त कर्यो हतो। मकान तथा मंदिरो पर आ मिलकत वेचवानी छे तेवा बेनर लगावामां आव्या हता। त्यारबाद एक विवादास्पद चेट सामे आवी हती, जेमां लघुमती समाजना लोको हिंदुओने ऊंची किंमत आपी मकान वेचवा दबाण करी रह्या होवाना आक्षेपो करवामां आव्या हता। आ मामला એ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર જગાવી હતી। જોકે પોલીસ હવે હરકતમાં આવી છે। મામલામાં વોટ્સએપ મેસેજ કરનાર સામે એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસે ફરિયાદ અનુસાર વોટ્સએપ મેસેજ કરનાર વ્યક્તિને હાથીખાના બજાર વિસ્તારમાં અસંધારો લાગુ હોવાની જાણ હોવા છતાં તેને સુલે શાંતિ ભંગ થયા એવા ઈરાદે મકાનની ઊંચી કિંમત આપવાનો મેસેજ કર્યો હતો, જેની સામે કલમ 153 ક મુજબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। અને વોટ્સએપમાં જે નંબર બીજા દેશનો બતાવે છે એ નંબર ખરેખર અન્ય દેશનો છે કે પછી કોઈ એપ્લિકેશનની મદદથી મેસેજ કરવામાં આવ્યો છે એ બાબતની પોલીસ તપાસ શરૂ કરી છે। કલ તારીખ 21 નવેમ્બર 2021 કો હાથીખાના વિસ્તાર જો કે ભરૂચ સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન કે તહેત આતા હૈ વહાં કે એક નિવાસી ગૌરાંગ રાણાને ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में एक फरियाद दर्ज करवाई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि पिछले काफ़ी समय से मीडिया में भी अशांत धारा को लेकर के इस विस्तार में कुछ आक्षेप किए गए और उस संदर्भ में उस एरिया में सुलह शांति को लेकर भी पुलिस काफ़ी समय से सक्रिय है बनाए रखने के लिए। इसी बीच कुछ आक्षेप किए गए अशांत धारा को लेकर के, जिस पर प्रशासन के द्वारा समय समय पर संज्ञान लिया जा रहा है और कार्रवाई जारी है, तो फरियादी के द्वारा ये आक्षेप किया गया कि उसे किसी अननोन व्हाट्सएप नंबर से एक ऐसा मैसेज आया कि वो अशांत धारा लागू होने के बावजूद इस विस्तार के मकानों को खरीदना चाहता है। फरियादी के द्वारा ऐसा बताया गया कि उसके द्वारा जितनी मकान की कीमत बताई गई उससे डबल पैसा देने की बात सामने वाले आरोपी के द्वारा मंजूर की गई। फरियादी के द्वारा ऐसा आक्षेप है कि इस एरिया की सुलह शांति को बिगाड़ने के लिए यह मैसेज उसको किया गया है। जैसा कि फरियादी द्वारा व्हाट्सएप चैट्स रजू की गई हैं उसमें स्पष्ट है कि सामने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि इस क्षेत्र में अशांत धारा लागू है और पिछले कई काफ़ी समय से इस बात को लेकर के यहाँ पे प्रशासन के द्वारा इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जा रहा है। इसके बावजूद इस बीच में इस तरह के मैसेजेस करना सुलह शांति को भंग करवाने का एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके लिए भरूच सिटी ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। व्यक्ति का जो व्हाट्सएप अकाउंट नंबर है वो किसी फॉरेन कंट्री का है या फिर किसी एप्लीकेशन का यूज़ किया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी हैं। सामने वाले आरोपी की पहचान अभी प्रस्थापित नहीं हो पाई है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अभी जारी हैं।